नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके चैनल एड वैल्यू टू लाइव्स में। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 3 के, भाई अगर आप इसको यानी नेटवर्क मार्केटिंग को प्रोफेशन के तौर पे लेते हैं तो आपको स्किल्स जो हैं, कौशल जो हैं, वो आपको प्राप्त करने पड़ेंगे। अब नेरिक साहब कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग आज की तारीख में और आने वाले कई समय तक सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रोफेशन होगा, बिजनेस होगा, इंडस्ट्री होगी, और इसमें यदि आपको काम करना है तो एक प्रोफेशनल के तौर पे काम करना होगा। और प्रोफेशनल बनने के लिए मनुष्य को, इंसान को स्किल्स, कौशल प्राप्त करने होते हैं, हासिल करने होते हैं। थोड़ा सा समय लगता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बट करना पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। अब साहब ये कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ही ओपन और सीधी अपॉर्चुनिटी है, ना इसमें आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, ना आपका बैकग्राउंड मायने रखता है, ना आपकी एज मायने रखती है, ना आपका एक्सपीरियंस मायने रखता है, ना आप कहाँ से हो वो मायने रखता है। ये हर एक के लिए एक समान सी अपॉर्चुनिटी है। अब नेटवर्क मार्केटिंग में 3 पार्ट होते हैं। एक होता है कंपनी के प्रोडक्ट्स, दूसरा होता है कंपनी का कॉम्पनसेशन प्लान, और तीसरा होता है जो सबसे अधिक महत्व का पार्ट है, वो है आप। कंपनी के प्रोडक्ट्स हर एक व्यक्ति के लिए सेम है। अगर कंपनी एक प्रकार की ट्यूब बनाती है या एक प्रकार के वस्त्र बनाती है या एक प्रकार का कोई प्रोडक्ट बेचती है तो वो आदमी के लिए भी सेम है बेचने के लिए, औरत के लिए भी सेम है। 60 साल का बेचे या 20 साल का नौजवान बेचे, हर एक व्यक्ति ने वही प्रोडक्ट बेचना है, नो प्रोडक्ट में अंतर नहीं किया है। फिर आती है बात कॉम्पनसेशन प्लान की। कॉम्पनसेशन प्लान वह 60 साल के आदमी के लिए भी उतना ही परसेंटेज कमीशन होगा, वो 20 साल के व्यक्ति के लिए भी उतना ही कमीशन होगा। तो तीसरी जो महत्व की चीज़ है वो है आप, और आप ही एक फ़र्क लाने वाले, डिफरेंस लाने वाले एक एंटिटी हो। अधिक काम करते हो रिजल्ट आप लाओगे, नहीं करते हो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। वो जो 60 साल वाले व्यक्ति हैं वो अगर मेहनत कर रहे हैं आपसे ज़्यादा तो नेचुरल है कि उनको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वो जो 20 साल वाला व्यक्ति है वो अगर आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो आपके आपसे ज़्यादा उसको रिजल्ट मिलेगा, आपको कम रिजल्ट मिलेगा। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग जो अपॉर्चुनिटी है वो एक समांतर है, वो इक्वल है, किसी को फेवर नहीं करती, किसी से पार्शियलिटी नहीं करती, वो हर एक के लिए एक समान है। सो आपको अगर आप एंटर होते हो तो उस पहली घड़ी से लेकर के आपको उस बिजनेस की, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की आप वाली जो बात है उसका आपने फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। अगर आप काम करते हो आप सफल हो, अगर आप काम नहीं करते आप फेल हो तो वो आप फेल है, आपके अलावा ये जिम्मेदारी किसी और की नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही आप एंटर होते हो आपने अपनी जिम्मेदारी ले ली, आप अपने आप को रोज ये कहोगे कि मैंने ये जिम्मेदारी ले ली, ये मुझे काम करना है। आप अपने सीनियर को थैंक यू करोगे कि भाई अच्छा हुआ आपने मुझे इस अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस करवाया, आपने मुझे ये बात समझाई और मुझे आप इंडस्ट्री में ले आए, आई एम थैंकफुल, इसके आगे की मेहनत मैं करूँगा, और जब जब मुझे अगर कोई गाइडेंस या कुछ रास्ता चाहिए होगा मैं आपके पास आऊँगा, तब आप मुझे रास्ता बताना, ठीक है। तो इस तरीके से आपने पूरी अपनी जिम्मेदारी लेनी है, ठीक है। और एरिक साहब कहते हैं कि अगर आपने इस बिज़नेस को या इस प्रोफेशन को अच्छी तरीके से करना है, सक्सेसफुली करना है, तो सिर्फ और सिर्फ 7 स्किल्स आपने सीखनी है, ज़्यादा नहीं, 7, ठीक है। विच इज़ अभी तक आपने लाइफ में कितनी सर्टिफिकेशंस की, कितनी डिग्रियां ली, कितने पोस्ट क्वालिफिकेशन लिए, तो आपने कितने सारी चीज़ें सीखी, तो अगर इतना सीख के अगर आप आए हो तो ये 7 स्किल सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। एक ही चीज़ निश्चय चाहिए, ये 7 स्किल सीख के आपको हूबहू इसी स्किल्स को जिस तरीके से सिखाया है उस तरीके से आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। एक धागे का भी फ़र्क नहीं लाना चाहिए। आप अपने दिमाग की उपज ना करें, नया कोई ट्रिक ना करें, नए कोई
तालमेल ना करे, बिकॉज ये सब कर कुरा के पिछले 50 वर्षों में लोगों ने करके देख लिया है और ये 7 स्किल जिस जैसी हैं वैसी ही इनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है, शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक है। तो अब ये वीडियो यहाँ पे मैं समाप्त करूँगा इस चैप्टर के लिए। जाने से पहले आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो वीडियो है इसमें आप कमेंट लिखें कि भाई आपको क्या अच्छा लगा, क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या अच्छा नहीं लगा, और मैं आपकी सजेशंस को, आपके कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए आगे के वीडियोस में मैं इम्प्रूवमेंट लाऊंगा। और अगर आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस हैं तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा विद अ प्रायोरिटी, ठीक है। और ये वीडियो जो है आप अपनी टीम में शेयर करें, इस वीडियो को बार बार देखें, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपका दिन एकदम अच्छा हो। थैंक यू।